क्या जीवन प्रकृति का पर्याय है या प्रकृति ही जीवन है? शायद इसका उत्तर हाँ में है। कितना अच्छा लगता है ये धरती, ये चांद, ये सितारे, ये कलकल करती नदियाँ, पहाड़, झरझर करते झरने। इस धरती के तरह तरह के पशु पक्षी, फूल पत्तियां, फल, सब कुछ बहुत सुंदर। कुछ दशकों पहले तक मनुष्य समेत इस ब्रह्मांड के सारे तत्वों के बीच अच्छा तालमेल था। लेकिन समय बीतते गया, मनुष्य के विकास की चाहतों ने उसे प्रकृति से दूर कर दिया। प्रकृति और मनुष्य के बीच जो लक्ष्मण रेखा थी, उसको बार बार हमने उल्लंघन करने का प्रयास किया या अभी तक उल्लंघन कर रहे हैं। प्रकृति का विध्वंस करके हम विकास की जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो कहां तक जायज है, हमें इस बात पर सोचना होगा। कितना सुंदर है प्रकृति के सारे चीज। शायद आपको भी याद होगा कि सदियों से कितने सारे कवि, संगीतकार इस प्रकृति को ही देखकर, प्रकृति के विभिन्न रूप रंगों को देखकर तरह तरह के गीत बनाए, संगीत बनाए, कविताएं लिखी। आज वो सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। कारण क्या है? कारण है मनुष्य का प्रकृति से दूर होना। प्रकृति ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या नहीं दिया? हवा, पानी, अनाज, यहाँ तक कि बीमारी की अवस्था में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ। भले ही हम इन सारे चीज़ों से वाकिफ नहीं हों, लेकिन प्रकृति में इलाज के सारे तत्व भी मौजूद हैं। इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। फिर से हमें सोचना होगा, अगर हम बार बार प्रकृति और मानव के बीच के लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो हमें विध्वंस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद इस पर सोचने की जरूरत है। हमने जो विकास के पैमाने तय कर रखे हैं, उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करके ये विकास की सीढ़ियां जो चढ़ रहे हैं, कहीं अचानक भरभरा के गिर नहीं जाए। सोचना होगा, सबको सोचना होगा। प्रकृति को नष्ट करके हम सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर सृष्टि को बचाना है तो नेचर को बचाना होगा। आज पूरी दुनिया एक वायरस के चलते परेशान है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या पावरफुल, क्या अनपावरफुल, पूरी दुनिया परेशान है एक वायरस जिसका नाम है कोरोना। और आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि
जिस कोरोना बीमारी का इलाज में एक दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अन्य दवाएं भी साथ में चल रही है, उसका नाम है क्लोरोक्विन, बार्क ऑफ सिनकोना। सिनकोना एक पेड़ है जो जंगल में पाया जाता है, उसे निकाला जाता है, कल्कलाइन केमिकल होता है और उसका यूज कोरोना के बीमारी में किया जा रहा है। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि अमेरिका ने भी हमारे भारत से डिमांड किया क्लोरोक्विन का। जिस नेचर को हम लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उसी नेचर से इस भयानक बीमारी का इलाज भी मिल रहा है। तो अंत में मैं सबको, पूरे दुनिया के बुद्धिमान लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो विकास का मॉडल है, कहीं ना कहीं फॉल्टी तो नहीं है। विकास के चक्कर में हम लोग लगातार प्रकृति को तहस नहस करते जा रहे हैं। अगर इस धरती को बचाना है तो प्रकृति को बचा कर रखना होगा। आइए हम सब इस पर सोचें, दुनिया के सारे बुद्धिमान मिलकर सोचें कि इस सृष्टि को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार।